भाजपा ने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। चारों तरफ पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दतिया तो प्रदेश के गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर गृह मंत्री ने इस विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और भय का वातावरण बना रखा है। उक्त बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दतिया विधानसभा के मीडिया प्रभारी संभागीय प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने प्रेस से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दतिया की जनता को लगातार यहां के विधायक प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, यहां बताता है कि दतिया के लोगों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है, जिसके भय से आज दतिया की जनता भी डरती है। लेकिन अब दतिया की जनता ने अपने अंतर्मन में संकल्प कर लिया है कि दतिया को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है। यहाँ के विधायक ने भ्रष्टाचार में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। आज चारों तरफ इनके भ्रष्टाचार की चर्चाएं खुलेआम हैं। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के 250 से अधिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य भाजपा के गृह मंत्री द्वारा किया गया, जो कि निंदनीय है। पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की मंशा अनुसार हमारे प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी ने भाजपा के 12 बड़े नेताओं की विधानसभाओं पर मेरे जैसे 12 प्रवक्ता साथियों को जिम्मेदारी दी है कि वह उनके क्षेत्र में जाकर उनके भ्रष्टाचार और उनकी दमनकारी नीतियों को जनता के बीच में उजागर करें। जैसा कि आपने बताया कि दतिया बाकी महत्वपूर्ण सीट है और आज दतिया में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं, जनता भयभीत है, यहाँ भय का वातावरण है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला दतिया की जनता के सामने है। इन सब बातों को लेकर मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ और निरंतर आपके बीच में आता रहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ आकर एक चीज देखी है, दतिया की जनता बाकी बहुत अच्छी है और वो मौन है, लेकिन उसने अपने अंतर मन में भाजपा की दमनकारी नीतियों को और भाजपा की सरकार को और भाजपा के गृह मंत्री विधायक को इस विधानसभा से विदा करने का मन बना लिया है। और आप ये मानकर चलिए कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो यहाँ के दमनकारी गृह मंत्री वापस डबरा चले जाएंगे, ऐसा दतिया की जनता ने मन बना लिया है, जो मुझे उनसे बात करते हुए महसूस हुआ। रही बात उनके अत्याचार की और उनके भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए आज हर तरफ केवल और केवल उनके अत्याचार की चर्चाएं, किस प्रकार से उन्होंने 250 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए। वो जिस समाज से आते हैं उन्होंने उसी समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, तो वो सत्ता के मद में शायद ये भूल गए कि वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का काम जनता का विकास करना है, जनता का दमन करना नहीं। इसका जवाब उनको इस बार के चुनाव में जनता देने वाली। ये वही गृह मंत्री हैं जिनकी भावना किसी फिल्म के कलर को लेकर भड़क जाती है, लेकिन दतिया में 2 बहनों के साथ, इसी दतिया विधानसभा का मामला है, दुष्कर्म होता है और उसके परिजनों पर अत्याचार होता है, तब इनका मुंह नहीं खुलता। इनसे पूछिए, आप गृह मंत्री हैं, आज क्या हालत है? महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। क्या कारण है लगातार दुराचार की घटनाएं अबोध बालिकाओं के खिलाफ जो बढ़ रहे हैं, सामने आ रही हैं, उसको लेकर कभी अपना बड़बोलापन दिखाइए, उस पर कुछ बयानबाजी करिए, लेकिन आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है गृह मंत्री जी कि आप इन विषयों पर बोल पाए, क्योंकि आपको असल मुद्दों पर बात करने की आदत कहाँ है। आप भी तो मोदी जी और अमित शाह जी की जुमले वाली टीम के सदस्य हैं, तो आपको नए नए जुमले गढ़ना आता है, आप करते रहिए, लेकिन आपकी विदाई मध्य प्रदेश की जनता और दतिया की जनता इस बार करने वाली है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। गृह मंत्री जी कितने हताश और निराश है ये इसी बात से पता चलता है, पिछला चुनाव वो जैसे तैसे जुगाड़ सुगाड़ से जीते हैं और आज वो घमंड में 36,000 से जीतने की बात करते हैं, अपनी ही पार्टी के सांसद हेमा मालिनी की बेइज्जती करते हैं। आप एक महिला सांसद को इतने गंदे शब्द से संबोधित करते हैं, मुझे तो वो शब्द से उनका नाम लेने में शर्म आ रही है। तो ये उनके संस्कार हैं,
भाजपाइयों के संस्कार आरएसएस की शाखा से सीखकर जो मिले हैं वो आज सड़कों पर और आपको भाषणों में सुनाई दे रहे हैं। ये इनका मूल चरित्र है। इस चरित्र को हमारी माताएं बहनें समझ चुकी हैं और मैं तो निवेदन करूंगा माननीय सांसद हेमा मालिनी जी से कि आप महिला आयोग जाइए, इनके खिलाफ शिकायत करिए और स्वतः संज्ञान वैसे तो महिला आयोग को ले लेना चाहिए। एक महिला सांसद का यह अपमान है, ये अपमान सहने योग्य नहीं है। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अपने घमंड में चूर हैं और सत्ता जाने के बाद इनको पता लगेगा कि इनकी हैसियत क्या है। पूर्ण बहुमत, मैं आपको पूरे दावे से, पूरे विश्वास से और जो जनता के बीच में आक्रोश है और जो जनता का जनमत है उससे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 150 से अधिक सीटें लेकर कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।